क्लास क्लास एक सरकारी बुक का अभ्यास हम लोग सात बी का आज पहला क्वेश्चन देखेंगे। दिया गया है कि दो संख्याओं का योग 24 है, दो संख्याओं का योग 24 है, उसमें से एक संख्या दूसरी की दो गुनी है तो संख्या बताइए। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसका अभ्यास सात बी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग लगाएंगे। यहाँ पर दिया गया है कि दो संख्याओं का योग 24 है। सबसे पहले हम मानेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लगा रहे हैं हल। माना पहली संख्या, माना पहली संख्या x, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या y। माना पहली संख्या x, दूसरी संख्या y। अब दिया क्या गया है कि दोनों संख्याओं का योग 24 है, इसका मतलब इन दोनों संख्या का योग क्या है, 24 है। तो हो जाएगा x प्लस y बराबर 24, हो जाएगा। उसमें से एक संख्या दूसरी की दो गुनी है, तब एक संख्या क्या है, उसमें से दूसरी की तीन गुनी है। तो यहाँ पर हो जाएगा दूसरी की तीन गुनी है तो x बराबर दो गुनी है, दूसरी की दो गुनी है x बराबर 2y। इसको हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को पहले सॉल्व करेंगे। तो x बराबर 2y, इसको हम इधर लेकर आएंगे, x माइनस 2y बराबर क्या कर देंगे, बराबर जीरो। इसको समीकरण नंबर एक मान लेते हैं, इसको समीकरण नंबर दो मान लेते हैं। अब समीकरण नंबर एक और समीकरण नंबर दो को हम विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से हल कर देंगे, वहां से हमारा x और y का वैल्यू आ जाएगा। तो एक संख्या हमारा x निकल के आ जाएगा, एक y हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पर हो जाएगा x प्लस y बराबर 24, और ये आया x माइनस 2y बराबर का जीरो। इसको सॉल्व कर दीजिए, यहाँ प्लस है तो मान से तो गया, यहाँ मान सकते हैं प्लस, y और 2y मिलकर 3y बराबर, यहाँ भी प्लस था, यहाँ भी मास हो जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उसमें से, तो 24 ही आएगा। तो y बराबर क्या जाएगा, 24 बटे 3, तो y बराबर 8 आ जाएगा। जब y का वैल्यू 8 पता चल गया, तो वही बात है, वो y का वैल्यू 8, तो y का मान उठा के समीकरण नंबर एक में रख दीजिए या समीकरण नंबर दो में, वहां से हमको x का मान मिल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे y का मान एक में रखने पर, y का मान एक में रखने पर, चलिए हम लोग देखते हैं y का मान क्या है। एक में रखेंगे तो x प्लस y की जगह हम रखेंगे 8 बराबर 24, तो हो जाएगा x बराबर 24 माइनस का 8, क्या बचेगा, x बराबर 16 बचेगा। अब अगर हम देखें तो बोला गया था कि तो संख्या बताइए, तो संख्या क्या है, एक संख्या हमारा आया 16, एक संख्या हमारा y, दूसरी संख्या जो है वो हमारा y है, और पहली संख्या हमारी क्या गई x आ गया, यही हमारा क्या गया, यही हमारा पहले का आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यही पूछा गया था। अब हम लोग क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोला गया था कि तो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग छोटी संख्या के तीन गुने से तीन अधिक है, यदि दोनों का अंतर 5 है तो संख्याएं बताइए। बिल्कुल वैसे ही प्रोसेस, हम सबसे पहले तो हम समीकरण बनाएंगे, समीकरण से हम लोग उसका समीकरण नंबर एक और समीकरण नंबर दो वहां से बनाएंगे, उसके बाद ही हम या विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे, तब हमारा जाके एक्स और वाई का मान निकलेगा। चलिए हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड का। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, दो संख्याओं का योग, मान लो यहाँ पर लिखेंगे माना एक संख्या, माना एक संख्या क्या है x, दूसरी संख्या y, एक संख्या x और दूसरी संख्या, अब हम समीकरण बनाएंगे, दो संख्याओं का योग छोटी संख्या, दो संख्या मतलब x प्लस y बराबर छोटी संख्या के तीन गुने से तीन अधिक है, तीन गुने मतलब दूसरी संख्या के तीन गुने, मतलब 3y + 3, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए, x प्लस y, अभी प्लस का है तो इधर आएगा मास का 3y बराबर इधर का 3 बचेगा, तो x y में से 3y मास का 2y बराबर 3, ये समीकरण नंबर एक बन गया मेरा, समीकरण नंबर एक। आप दूसरी वाली क्या बोला गया है, दूसरे में यदि दोनों का अंतर 5 है, इसी दोनों संख्या का क्या अंतर 5 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x माइनस y, अंतर मतलब घटाना होता है तो हम घटा देंगे, x माइनस y बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, समीकरण नंबर दो हमारा, इसी को सॉल्व कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, यहाँ पर माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, ये तो गया x, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, माइनस 2y में से y घटाएंगे तो माइनस का y आ जाएगा, अब 3 में से 5 घटाएंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस माइनस करेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर 2 निकल के आ गया। अब y का लिखेंगे, y का मान एक में रखने पर y का मान एक में रखना। अब क्या करेंगे, जो y का मान 2 आया, y का मान समीकरण नंबर एक में उठाकर रख देंगे, x माइनस 2
गुड़े टू बराबर थ्री, तो हो जाएगा एक्स माइनस चार बराबर थ्री, ये माइनस का इधर जाएगा प्लस का, तो एक्स बराबर क्या जाएगा सात। यही हमारा आंसर, यही हमको क्या पूछा गया था, संख्या ज्ञात करना था, ये हमारा क्या है एक्स बराबर सात, ये हमारा आंसर आया है।